हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे आलू के लच्छों के पकौड़े। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और इजी टू मेक भी हैं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू के लच्छों के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले 4 बड़े साइज़ के आलू लेंगे। इन्हें वेट में मेजर करेंगे तो ये 1/2 kg हैं। तो इन्हें पील करके अच्छे से वॉश करके इस तरह पानी में रखेंगे ताकि ये काले ना पड़े। और अब डायरेक्ट पानी में ही इन्हें मोटे साइड के ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ताकि लच्छे अच्छे बने और पकौड़े क्रिस्प हों। इस तरह से सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, इन्हें मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इन्हें 3 से 4 बार पानी से वॉश करेंगे ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए और ये क्रिस्पी बने। तो इस तरह से 3 से 4 बार पानी से वॉश करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप बेसन, यानी 4 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन है तो ज़रूर डालें, पकौड़े और भी क्रिस्पी बनेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून अजवाइन। इस तरह क्रश करके डालेंगे और अब इन्हें बिना पानी डाले अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू अपना पानी खुद छोड़ता है, तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना पानी डाले ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तेल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया है। अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो हमें इनकी बॉल नहीं बनानी है, बस इस तरह थोड़ा थोड़ा उठाना है और ऑयल में डालते जाना है। अगर आपसे इस तरह डालने में प्रॉब्लम हो तो आप स्पून या फोक की हेल्प से भी इसे डाल सकते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। तो अब फोक से भी इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो अब फोक से भी हम इस तरह से डालते हुए पकौड़े बनाएंगे। इस तरह से बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट है, हाथ जलने का डर भी नहीं रहता। तो इन्हें भी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं और अब इन्हें गर्म गर्म सर्व करेंगे। और इसे सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और ये कितने क्रिस्प बने हैं, आप इनका साउंड भी सुन सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।